श्री टायगर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा क्रमांक 420/2019 नुसार व कलम 302 व 201 नुसार अज्ञात व्यक्तींनी खून केल्याचा गुन्हा दाखल होता. मयत व्यक्तीचे शरीर नसल्याने धडामुळे आरोपींचा शोध लावणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. परंतु पोलिसांनी चक्रे फिरवून एका मिसिंग केस नुसार मयताची ओळख पटवली तेव्हा विष्णू नागरे वय वर्ष 45 राहणार दहिसर गाव यांची हत्या झाल्याचे उघड झाले. परंतु त्यांची हत्या करणारी व्यक्ती कोण व ही हत्या का झाली असा प्रश्न पोलिसांसमोर उभा होता. परंतु पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला असता सख्या पुतण्याने आपल्या 4 मित्रांसह हत्या केल्याचे उघड झाले. तर मय्यताचे शेर हे दिवा डंपिंग ग्राउंडला टाकल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले. सदर गुन्ह्याच्या तपासकामी ठाणे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ 1 ने कळवा तसेच शेर टायगर पोलिसांच्या मदतीने सदर क्लिष्ट गुन्ह्याचा शोध लावला असून या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत. 10 बजे पोलीस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो पिंपरी गांव है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी है जिसको सर नहीं है. तो जब हम पूरे अधिकारी और कर्मचारी, मैं खुद स्पॉट पे गया है, तो पता चला है कि एक 45-50 के एज का जो इंसान है वो झाड़ी में उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको सर नहीं है. उसी वक्त पुलिस स्टेशन में एक महिला ने एक मिसिंग का कंप्लेंट दिया कि उसका हस्बैंड कल रात से लापता है. तो डेड बॉडी तब तक हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल ले गए थे. फिर जो महिला जो है कुसुम नागरे, उसी को उसको हॉस्पिटल में लेके जाकर जब बॉडी दिखाई है तो उसने अंगूठिया और कुछ बॉडी मार्क्स और कपड़ों से पहचान लिया कि उसका हस्बैंड है, जिसका नाम विष्णु नागरे था. फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन को एक ट्रैक मिला है, उसके तौर पर हम जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनको हमको लीड मिला उसमें कि उसका जो भतीजा है, पुतन्या है, जिसको मराठी में पुतन्या बोलते हैं, वो अमित नागरे है, उसने मर्डर किया था और उसने उसकी कबूली भी दी. मर्डर का कारण ये था कि वो अमित जो था वो अंडर इम्प्रेशन ये था कि 2016 में जो उसके फादर की डेथ हुई थी वो उसके चाचा ने, जो अभी का मैत है, उसके जादू टोना की वजह से हुई. एक्चुअली उसका बाप दारू पीता था, लीवर सिरोसिस से एक्सपायर्ड हो गया था, लेकिन अंडर इम्प्रेशन ये था कि भाई मेरे चचा ने जादू टोना किया इसलिए उसका बाप मर गया, इसलिए उसने ये मर्डर किया है. और ये मर्डर करने में उसके 4 साथीदार और थे, उन्होंने उसको मदद किया है. एक पार्टी का बहाना बनाया, पार्टी के जगह पर पहले ही एक दिन शस्त्र लेके गए वहाँ. फिर चचा जैसा वॉचमैन का ड्यूटी करता था, वहाँ से वो निकला तो उसको लेके जाके स्पॉट पे गए, दारू पिया, जैसे ही वो चचा नशे में आया उसका मर्डर कर दिया. इसका जो मर्डर के बाद में जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने उसका मुंडी को काट डाला है और एक सैक में भर के, प्लास्टिक केस में भर के उसको मोटरसाइकिल पे जो दीवा गांव है वहाँ पे ले गए थे डंपिंग ग्राउंड के पास, वहाँ उसको फेंक दिया था. जब हमने उसको अरेस्ट किया, उसको इंक्वायरी की तो उसने बताया था. फिर उसने हमको स्पॉट दिखाया, वहाँ जाके हम सब उसको